गाइस, क्या आप लोग को मालूम है कि मुमताज का ओरिजिनल नेम क्या है? मैं बताता हूँ आपको, मुमताज का ओरिजिनल। तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी। तो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया का नंबर वन मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो कि है ताजमहल। तो गाइस, ये है मेन एंट्री, यहाँ पे ये है वेस्ट गेट, यहाँ से एंटर होना है। यहाँ पर कुछ रूम्स है और उसके बाद यहाँ पर है फोर स्क्वायर गार्डन, 1, 2, 3, 4, और ये है मेन गेट जिसको बोलते हैं रॉयल गेट। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ से हमें दिखेगा ताजमहल। तो गाइस, अंदर जाने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। फैक्ट नंबर वन, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका फाउंडेशन वो लकड़ियों से बनाया गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 एलिफेंट लगे हैं, यह है फैक्ट नंबर टू। और फैक्ट नंबर थ्री, इसे ताजमहल को कंप्लीट होने में 22 साल लग गए। गाइस, क्या आप लोग को मालूम है कि मुमताज़ का ओरिजिनल नेम क्या है? मैं बताता हूँ आपको, मुमताज़ का ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो। ये गाइस, ये काफ़ी लोग को नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, आप रिसर्च कर लेना आपकी। और अब हम लोग एंटर होने वाले हैं अंदर ताजमहल देखने के लिए, तो लेट्स गो और आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए ताजमहल। यू कैन सी क्या खूबसूरत लग रहा है यार, रियल लाइफ से तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। ओ माय गॉड, या अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस, मेरे पीछे देख सकते हो ताजमहल, क्या प्यारा लग रहा है यार, क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम, कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा। और एक और चीज़ गाइस, यहाँ पर मैं है ना 20 साल पहले आया था, जब मैं 10 साल का था। तो इतनी मुझे सारी मेमोरीज याद आ रही है यहाँ की, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है क्योंकि 10 साल का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज मुझे याद आ रही है। और अभी अंदर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। गाइस, मुझे अभी पता चला शकील का फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आया ताजमहल, हाँ शकील, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त यार, क्या बोले यार, जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्या बोलता है ना। अभी तो अंदर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, लेट्स सी। यहाँ पर आई थिंक मस्जिद है यार, तो गाइस एकदम करीब आ चुके हैं, लेट्स गो, अभी अंदर चलते हैं और वहां से कैसा दिखता है नजदीक से वो देखेंगे हम लोग। तो गाइस, यहाँ से हम लोग ने फोटो ले लिए, यहाँ से स्ट्रेट दिखता है, ये देखिए यहाँ से। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर, यानी एकदम करीब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर पैर में पहनने के लिए एक प्लास्टिक का वो दिया हुआ है, जो ताकि उससे ख़राब ना हो, वो हमें पैर में पहनना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी अंदर जा रहे हैं और हम लोग ने एक गाइड किया, वो गाइड सब कुछ हमारे फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। स्टार्टिंग के जो फैक्ट्स है वो मेरी रिसर्च है, वो मैंने बताई है। बाकी तो गाइड का मैं वीडियो नहीं ले सकता, उनकी कोई कंपनी की पॉलिसी है तो उनको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, फिर हम लोग हमारे हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमें गाइड के थ्रू मिलती है। तो लेट्स गो, अभी हम लोग इस पर करीब जा रहे हैं। तो गाइज, एक और साइड का व्यू देख लो, ये एक साइड का व्यू है यहाँ का। और गाइज, पीछे एक रिवर लगता है, वो है यमुना रिवर। तो गाइज, अभी ताजमहल के एकदम करीब पहुँच गए, ये देखो एकदम पास में। अगर हम लोग वहाँ से आए, यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ ये साइड से आए इधर से, और यहाँ से अब इधर अंदर जा रहे। तो गाइस, थैली पहन ली हम लोग ने पैर में, ये देखो
तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर सब आयतें लिखी हुई है, या हमारे गाइड ने बताया यासीन से मिले इनसाइड इज नॉट अलाउड। यस, और यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ के बाद मिलेंगे हम। तो गाइस इसके बैक साइड जो है ये है यमुना रिवर, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये यमुना रिवर यहाँ से पास हो रही है, लेट्स गो देयर एंड आई विल शो यू। तो गाइस ये है यमुना रिवर पूरी, तो गाइस मैं अंदर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अंदर हम लोग जब गए थे तो यहाँ पर शारजा और मुमताज़ की कब्र है, यानी कि उनकी ग्रेव है। ऑब्वियसली वहाँ पर वीडियो लेना अलाउड नहीं है, और एज अ बीइंग अ मुस्लिम मैं ऑब्वियसली ग्रेव की या कब्र की वीडियो नहीं लूँगा। तो काफ़ी अच्छा अंदर एक्सपीरियंस था, और अंदर सब आयतें लिखी हुई है कुरान शरीफ की, सूरह मुल्क वगैरह, और वो कोई पेंटिंग नहीं है, स्टोन से पूरा क्रिएट किया गया है। जैसे यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है ना, वैसा अंदर भी लिखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो बाहर आने के बाद, यहाँ पर एक मस्जिद है, वो एक मस्जिद है और वो एक मस्जिद है, और वहाँ पर रेड फोर्ट है जहाँ पर कैद किया गया था शारजा को। तब हम यहाँ से बाहर की तरफ शायद जा रहे हैं, और यहाँ से एग्जिट हुए थे लाइक। और इसके ऊपर जो मेन डोम है यानी कि गुम्बद, वो डबल डोम है ताकि वो सनलाइट का इफेक्ट ना आए मुमताज़ की कब्र। इसे सिंबल ऑफ लव कहा जाता है ताजमहल को, तो उनकी याद में ये ताजमहल बनाया गया। वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आप लोग को। और ये भी एक मस्जिद है, यहाँ पर वजू खाना भी है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जो नमाज के पहले वजू करते और फिर नमाज पढ़ते। ओके, यहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर पानी था वो वाली मस्जिद में। तो गाइस यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे, और बाहर से हम लोग जाएंगे लेदर मार्केट, यहाँ का फेमस है, तो गाइड हमको दिखाने वाले, लेट्स सी। और एक और चीज़ में इंटरेस्टिंग चीज़ बताना भूल गया आपको, एक फैक्ट और एक, तो थोड़ा दूर जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो गाइस एक फैक्ट ये बताने वाला था कि ये सारे जो मीनारे हैं उससे थोड़े क्रॉस बनाए गए ताकि अगर अर्थक्वेक या गिरे भी कुछ भी तो वो ताजमहल पर ना गिरे। तो गाइस ताजमहल के एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं, पीछे आप देख सकते हो ताजमहल क्या लग रहा है प्यारा। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे और जाएंगे, लेट्स सी लेदर मार्केट जाते हैं या नहीं। क्या एक्सपीरियंस था यार मेरा, तो सेकंड टाइम था, मैं 20 साल पहले आया था। टी शर्ट भी देखो पहनी है, 2021। शकील कैसा लगा ताजमहल फर्स्ट टाइम? सही में बोलते ना जन्नत है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है। सीरियसली अंदर जाते हैं ना, इतना ज़्यादा सुकून है ना वहाँ पर। और सब कुरान शरीफ की सब आयतें भी लिखी हुई है, बाहर यासीन शरीफ है, अंदर सूरह मुल्क थी, बहुत सारी थी, बहुत प्यारा बनाया है, कलर वाइट एकदम ग्लो होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है यार। और अंदर जाते करीब जाते तो और सुकून लगता है।
बहुत अच्छा बना। लेट्स सी लेदर मार्केट जाते हैं या नहीं, या तो फिर कुछ खा लेंगे, और यहाँ का आगरा का फेमस पेठा वगैरह कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, यहाँ की यादगिरी। और आगरा हम लोग आ चुके हैं, यानी कि हम लोग दिल्ली से दूसरे स्टेट आ चुके हैं, यूपी में पहुँच चुके हैं हम लोग, तो दो स्टेट एक साथ घूम लिए। ठीक है, फिर यहाँ से एग्जिट करते, लेट्स गो। हमारी ऑनलाइन टिकट बुक थी, ऑनलाइन बुक करके और ऑनलाइन बुक करके ही आना, ये है एक टिप, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है यहाँ पर। अगर आप टिकट लेने जाओगे, ऑनलाइन बुक करके आओगे तो छोटी सी लाइन मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। और यहाँ पर चलना बहुत है, बाहर पानी की बॉटल मिलती है 10-10 रुपए की छोटी छोटी, तो वो कैरी करके अंदर आना, काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चे की प्रैम भी आप ला सकते हो, व्हीलचेयर का भी इधर फैसिलिटीज़ है। और क्या है, गर्मी में आओ धूप में आओ तो कैप पहन के आना। हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठे हैं एकदम फ्रंट में, यहाँ से ऐसा लगता है बस देखते रहे। देखो आप भी देखो, वीडियो में जस्टिस कर रहा है मालूम नहीं, बट बहुत ब्यूटीफुल है, ये देखो सीधा। तो गाइस ताजमहल के करीब ये लेदर मार्केट है, वहाँ पहुँच गए हम लोग, लेट्स सी, देखते हैं अंदर जाके क्या है। तो गाइस ताजमहल से निकले और यहाँ पर खाना खाने रुके, ये भटूरे देखे कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर छोटे भटूरे खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस पहुँच गए हमारे होटल, बहुत ज़्यादा थक गए यार, सफ़र सफ़र सफ़र, और काफ़ी मज़ा आया। और टिकट की प्राइस मैंने गलती से कम बताती थी, 260 रुपीज़ है ताजमहल की प्राइस। और टिकट ऑनलाइन बुक करोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, कम लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा क्राउड है। बाकी इसके अलावा मैंने कुछ आपको फैक्ट्स बताया, आई होप आपको अच्छे लगे हो, और आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।